हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे क्लास एट्थ एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे इज एट अपॉन नाइन द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन मिक्स वन अपॉन एट वाई और वाई नोट हमसे ये पूछा है एट अपॉन नाइन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है इसका माइनस वन वन अपॉन एट का माइनस वन वन अपॉन एट एट अपॉन नाइन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है अगर है तो क्यों है नहीं है तो क्यों नहीं है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स के लिए एक बात जान लो आप अगर कोई डिजिट है उसी का ही रेसीप्रोकल करा मैंने ये हो गया इसका रेसीप्रोकल अगर उसका मल्टीप्लीकेटिव ए से ए करा तो वन आ गया अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो भाई मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स होगा अदरवाइज नहीं होगा अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों पहले हमने लिखा एट अपॉन नाइन मल्टीप्लाई का लगाया साइन फिर हमने लिखा अपना वो वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे ध्यान से देखेंगे भाई इस माइनस को ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऐसे मतलब मतलब ऐसे रख लो ठीक है देखो एट वन जाट एट और एट में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों नाइन अपोनेट और ये नाइन अपोनेट ना आपका माइनस का है उस माइनस का यहाँ पे मतलब दिखाएंगे भी शो करेंगे ठीक है अब देखो नाइन से नाइन कैंसिल एट से एट कैंसिल सब वन वन टाइम कैंसिल हुए तो वन ही आएगा इसका आंसर भाई वन वन जा वन फिर से नीचे वन वन जा वन लेकिन यहाँ क्या था माइनस तो माइनस का वन डिवाइड करूंगा तो माइनस का वन ही आएगा अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटी इनवर्स वाले केस में ना जो डिजिट है उसी का रेसी प्रोकल वन आता है तो यस अदरवाइज नो अब देखो एट अपॉन नाइन एक रेशन नंबर था उसका जो क्या था उसका जो साथ में रेसी प्रोकल किया हमने नाइन अपॉन जो एट है भाई इसको सोलवे नाइन अपॉन एट आया ठीक है तो वो वन नहीं बना जब हमने इसको सोल्व किया वो वन नहीं बना ठीक है तो क्या बना माइनस वन तो हम लिख देंगे नो ठीक है भाई तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये इसका नहीं है नोट कीजिए आप लोग एक लाइन आपको लास्ट में लिख देनी है क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में एट अपोन नाइन इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन वन अपॉन एट ठीक है यानी एट अपॉन नाइन माइनस वन वन अपॉन एट का मल्टीप्लीकेट इनवर्स नहीं है प्यारे बच्चों क्लास एट के ध्यान से सुनो मेरी बात जब भी आप वीडियो को देखोगे तो स्किप नहीं करोगे ठीक है स्किप करोगे आपको समझ नहीं आएगा फिर समझ नहीं आएगा तो आप फिर देखोगे वीडियो ठीक है तो आपसे यही कहना है कि जब भी वीडियो देखो तो उसको स्किप नहीं करना बड़े ध्यान से देखना है जहाँ से आपको समझना है वहाँ की मुझे टाइमिंग कमेंट बॉक्स में भेज देना कि यहाँ से हमें ये चीज़ समझ नहीं आई नोट कीजिए